तो पिछली बार हमने 9वें नंबर का श्लोक लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमें मटेरियल गेन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी जो काफी इम्पोर्टेंट थी। और 10th श्लोक का हम कंटिन्यू करते हैं 10वें नंबर के श्लोक से। तो पहले दसवां श्लोक, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 10वां नंबर। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेतयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। हरे कृष्ण प्रभु। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्यों की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो जीवन की इच्छा इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम बोलता है ऐसा। तो आज हम देखते हैं पूरा जो समाज है, मनुष्य समाज, आज सब इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। हर एक एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उसके जीवन का उसने वो लक्ष्य बना दिया है कि उसको सिर्फ इंद्र तृप्ति करने हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो इंद्र तृप्ति में लग जाता है। और श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं बोलता है कि इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, बट एक्सेसिव या अनकंट्रोल वे से इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें उतना ही वही इच्छा रखनी चाहिए जो हमारे सेहत के लिए या आत्मरक्षण संरक्षण के लिए जरूरी हो, उसके अलावा सब इंद्र तृप्ति है। एस पर दिस श्लोका श्रीमद् भागवतम, और प्रभुपाद परपोट ने भी बहुत समझा इंद्र तृप्ति के ऊपर ही समझा देखी है। भौतिक समाज जो है पूरा अल्टीमेट गोल उसका यही है कि सब लोग इंद्र तृप्ति में, उनका चरम लक्ष्य होता है। सो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्लोक आता है, उसमें बता दें कि जब आप खाना खाते हो, 11वें स्कंद में आता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमें टेस्ट मिलता है, फिर संतुष्टि मिलती और स्ट्रेंथ मिलता है, बल। ये खाना खाने से तीन चीजें होती है। ऐसे ही हम जब कृष्णा भक्ति करते हैं तो हमें ये तीन चीज मिलती है, टेस्ट आता है भक्ति में, संतुष्टि होती है और स्ट्रेंथ मिलती है। खाना खाने के समान है कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें टेस्ट मिलता है। किसका टेस्ट मिलता है? हायर टेस्ट। हम जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे आपको लगेगा, और ज्यादा चैंटिंग करें, ज्यादा मंदिर जाएं, भगवान का दर्शन करें, भक्तों का संग अधिक करें, उसमें टेस्ट आने लगता है, अच्छा लगता है। 16 माला से अधिक मालाएं करना, 16 माला कम लगती है उसको। ये टेस्ट आना चाहिए जब हम जैसे जैसे हम भक्ति करें। दूसरा सेटिस्फेक्शन, उसको संतुष्टि होती है। हर मतलब संतुष्टि मतलब कि वो इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागेगा। जब वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है तो वो संतुष्ट रहे। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है,
प्रॉब्लम ये है, मन से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो बाहर सुख ढूंढने का प्रयास करते ताकि वो संतुष्ट हो जाए। बट प्रिष्टा कॉन्शियस जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता है भक्ति, तो वो स्वतः संतुष्ट हो जाता है। और हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरे अंदर वो संतुष्टि आई है कि नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो हम इंद्र तृप्ति के पीछे 100% भागेंगे। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए और वहां पे अमेरिकन लड़के लड़कियों को भक्त बनाया उन्होंने, तो अमेरिका में कितना ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, कंफर्ट, सब अच्छा है। पर जब उनको भक्त बनाए वृंदावन आए, तो वृंदावन में वो जमीन पे सोते थे, तपस्वी जीवन जीते थे, और धूप में इतना बारिश गर्मी, इंडिया का तो एनवायरनमेंट बहुत, एटमॉस्फेयर काफी डिफिकल्ट है अमेरिकन अगर यहाँ आके रहे, पर वहाँ यहाँ की वैदिक सभ्यता और उसको मतलब तो उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलता था, प्रभुपाद जी से प्रसन्न होते, उनको टेस्ट आया था, उनको सेटिस्फेक्शन था। और तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ। कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने से स्ट्रेंथ आती है। किस चीज की स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब बल। किस चीज का बल मिलता है? कि दूसरों के हृदय में आप श्रद्धा जागृत कर सको, इसका बल आपको मिलता है। अगर आप दूसरों के हृदय में श्रद्धा जागृत नहीं कर सकते, मतलब आपके अंदर अभी श्रद्धा की कमी है और उसको डेवलप करना चाहिए, वो बल नहीं है आपके पास। जैसे आप कोई भी वस्तु को बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप चाहते हैं, आपकी ये इच्छा रहेगी कि दूसरों को भी दे ये। जैसे कॉलेज के समय में जब कॉलेज टाइम में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको एक लड़की पसंद थी हमारे क्लास में। तो उसने क्या, उसने मेरे को बुलाया ऐसा, और सीक्रेटली बोला, मैं सिर्फ तेरे को ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा उसने मुझे बोला। तो एक सीक्रेट है, तो उसने मेरे को बोला कि ये हमारे क्लास में लड़की है, ये मुझे पसंद है, किसी को बोलना मत, ऐसा मेरे को उसने बोला। और फिर उसने क्या किया, अपने दूसरे फ्रेंड को भी ऐसे बुलाया, सीक्रेटली बुलाया, एक सीक्रेट है, किसी को बोलना मत, मुझे ये लड़की पसंद है। ऐसे पूरा उसका जो फ्रेंड सर्कल था, सबको अकेले में सीक्रेट बात ऐसे बताई। सो हर एक फ्रेंड के साथ उसने ये शेयर किया। क्यों? क्योंकि वो लड़की से प्रेम करता है, उस लड़की से। तो उसी तरह जब हमारा हृदय पूरा कृष्णा भक्ति से भर जाता है, तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो हम अपने पास नहीं रख सकते, हम चाहते हैं कि ये दूसरों को भी दें, हम अपने हृदय में वो बात नहीं रख सकते। अगर आप जेन्युइनली कृष्णा भक्ति कर रहे हो और आपको बोला जाए कि प्रचार मत करो, तो आपको वो पनिशमेंट लगेगी। अभी हमें कहता है प्रचार नहीं करना है, तो हमें थोड़ा राहत मिलता है, आज चलो कहाँ रजिस्ट्रेशन करने जाए, चलो बच गए, प्रभु जी ने सेवा बदल ली, रजिस्ट्रेशन के बदले आप प्रसाद हॉल साफ कर दो, वो अच्छा लगता है। पर प्रचार करना थोड़ा वो डिफिकल्ट लगता है, लोगों को क्या बोले, कैसे बोले। बट व्यक्ति जब जेन्युइनली कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करता है, तो उसको प्रचार करने की इच्छा उसकी तीव्र हो रहती है, क्योंकि वो चाहता है कि वो, उसको अच्छा लगता है, तो दूसरों को भी वो शेयर करने में उसको उत्साह रहता है। जैसे मेरा ये फ्रेंड था, उसको पसंद ही हो जाए, सबको पता चले ये। उसी तरह हमें देखना चाहिए, जब जब हम कृष्णा भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो ये तीन सिम्टम मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि नहीं। कौन से तीन? टेस्ट, सेटिस्फेक्शन और स्ट्रेंथ। ये तीनों चीजें क्या मेरे भक्ति जीवन में ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। वही व्यक्ति एडवांस करता है, नहीं तो उसका जीवन बहुत स्ट्रगल वाला रहता है। सो
इसलिए इंद्र तृप्ति जब हम करते हैं लोग बहुत हम लोग मतलब अभी प्रॉपरली भक्ति प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नीचे, ऐसे ग्राफ स्टेडी ग्राफ नहीं है। स्टेडी और प्रोग्रेसिव ग्राफ किसको बोलते हैं, जो ये श्लोक जो 11वें स्कंद का जो मैंने बोला टेस्ट सेटिस्फेक्शन और स्ट्रेंथ मिलता है उसमें। तो आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड एंजॉयमेंट है, और ये भौतिक संसार में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या हम लोग इधर आनंद को ढूंढ रहे हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं। तो जितना भी जो हमें आनंद मिलता है वो लिमिटेड ही मिलता है, और ऊपर से वो इमेजिनरी होता है, इल्यूजनरी होता है, वो एक्चुअल आनंद नहीं होता है। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति जो हमारे शास्त्र में बताया है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट के लिए हमें करने में, जैसे बोला गया है 6 घंटे ही सोना है, 2 टाइम ही खाना है। इंद्रिय तृप्ति क्या नमक की तरह हमें यूज करना चाहिए, खाने में नमक नहीं डालोगे तो आप नहीं खा पाओगे, खाने में पूरा नमक डाल लोगे तो भी नहीं खा पाओगे, उसी तरह बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लोगे तो भी फ्रस्ट्रेट रहोगे, और एकदम जीरो कर दोगे तो भी फ्रस्ट्रेट रहोगे। नमक की तरह यूज करना है स्वाद अनुसार, बैलेंस बैलेंस चीज। अनलिमिटेड इंद्र तृप्ति करने से हमारा है ना हेल्थ खराब होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा पैसे वेस्ट होते हैं इंद्र तृप्ति करने से। सो बॉडी जो है हमारा ये शरीर जो इंद्रियों का बना हुआ है वो एक मशीन की तरह है, एक मान लो कार की तरह है, जिसको कार की जो सेफ स्पीड होती है वो 60-70 किलोमीटर पर आवर, पर अगर आप इसको 120-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे तो लंबे समय तक नहीं चलेगा वो गाड़ी, जल्दी से वो बिगड़ जाएगी। उसी तरह अगर आप इस शरीर से बहुत ज्यादा अधिक खाते रहोगे, अधिक इंजॉय करते रहोगे और का और बहुत मेहनत करोगे गधे की तरह, तो ये शरीर में बहुत कष्ट मिलेंगे आपको। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो बहुत लिमिटेड सुख है, पर आत्मा को अनलिमिटेड सुख चाहिए, यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। और आत्मा क्या सोचती है कि मुझे यहाँ पे अनलिमिटेड सुख मिल जाएगा अगर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा या नेटफ्लिक्स पे जाऊंगा या हॉटस्टार पे जाऊंगा तो वहां पे मेरे को अनलिमिटेड सुख मिल जाएगा, पर वहां पे उतना ही माइंड उसका हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको ओवर थिंकिंग हो जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी आंखों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा है, सेफ स्पीड से नहीं चला रहा है, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट ढूंढता रहता है। सो इसलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो में बोलते हैं कि ये शरीर जो है पूरा बीमारी का और कष्टों का घर है, यहाँ पे सुख कैसे मिल सकता है इस शरीर में, है ना। जैसे कि हमारे शरीर का एक एक अंग का एक एक डॉक्टर है, आंख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ब्रेन का डॉक्टर है, मतलब हर एक के अंग हर एक एक पार्ट हमारे बॉडी का हमें कष्ट देता है, इसलिए उसके डॉक्टर बने। तो इस शरीर से हम कैसे सुख की आशा रख सकते हैं, तो इस शरीर में सिर्फ दुख और कष्ट ही है, और जो सुख है वो इमेजिनरी है, वो लिमिटेड है, और बहुत बहुत अधिक प्रयास करने के बाद मिलता है। इसलिए अधिक प्रयास व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में कि इंद्र तृप्ति इच्छाओं को कंट्रोल करना लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, भक्तों के जीवन में भी ऐसा नहीं है इंद्र तृप्ति की इच्छा समाप्त हो गई, भक्तों के जीवन में भी इंद्र तृप्ति की इच्छा आती है, पर क्योंकि वो साधना में अच्छे हैं इसलिए उसको ना बोल सकते और धीरे धीरे उससे बच सकते। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कुत्ते का, पालतू कुत्ता जो होता है, गली में देखा है आपने पालतू कुत्ता, तो
पालतू कुत्ता होता है तो हमने क्या उसको बहुत हमने उसको बहुत बोलो उसको साथ में रखते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके सर पे ऐसे हाथ झुलाते हैं, तो वो हमारा फ्रेंड हो जाता है, हमको पहचान जाता है, हमको है ना अच्छे से आगे पीछे घूमता है, हमको भी वो अच्छा लगता है। तो एक दिन डॉक्टर आता है आपकी गली में और बोलता है इसको रेबीज हो गया है। रेबीज मतलब जो कुत्तों को जो बीमारी होती है वो, तो वो जब काटेगा किसी को तो उसको भी वो बीमारी लगता है ना। और अभी आपको पता चल गया इस ये बीमार कुत्ता है, इसको रेबीज है, तो आप क्या उसको भगाएंगे? हर बार वो आपके पास आएगा उसको भगाएंगे, जब भी वो आपको देखेगा वो पूंछ हिलाएगा और आपके पीछे पीछे आएगा, पर आप उसको भगाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपने उसको इतना प्रेम दिया, इतना खिलाया पिलाया, उसके साथ रहे आप, उसको घर पे बुलाते थे। अभी वो भी अभी आपको पता चल गया, अभी वो कुत्ता डेंजर है, खतरा है मेरे लिए, तो आप जितना भी उसको भागिए बार बार वो आएगा आपके पास। अब वो आएगा आपके पास, आपको अच्छा लगेगा, पर तुरंत आपको याद आएगा अरे ये तो बीमार है, इसलिए उसको भगाएंगे, तो वो कुत्ता आसानी से जाने नहीं वाला है, कुत्ते आसानी से जाएगा नहीं वो आप, क्योंकि आपने उसको इतना पहले प्रेम दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस कुत्ते को हमें बार बार भगाना पड़ेगा। तो जो इंद्रदत्त की इच्छा है ना, वो उस कुत्ते की तरह, पहले हमें पता नहीं था इंद्रदत्त कितना खतरनाक है, हम इंद्रदत्त के साथ उन इच्छाओं को बहुत अच्छा प्रेम दिया, उसके साथ खेले उठे बैठे, वही हमारा जीवन हो गया था। तो वो डॉक्टर जो आया था गली में आपकी, जो इसको बताने कि ये इसको रेबीज हो गया है, वो भक्त है, वो गुरु है, जिसने आपको बताया कि इस कुत्ते के साथ मत खेलो, खतरा है आपके लिए। तो अभी आपको पता चल गया इंद्रदत्त खतरा, अभी अभी क्या वो इच्छा आपको बार बार आएगी, 10 बार आएगी, आपको 10 बार डंडे मार के उसको भगाने, दिन में 50 बार आएगी, 50 बार डंडे मारने पड़ेंगे, वैसे आप करते रहेंगे, एक दिन वो फिर कुत्ता समझ जाएगा कि ठीक है अभी ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मुझमें। तो डंडे मारने का अर्थ है कि जितने भी टेम्पटेशन वाली चीजें हमारे या इंद्रदृष्टि की जो अवसर माया में देती है उसको ना बोलना, उसको बोलते हैं डंडे मारना, उसका अर्थ है डंडे मारना, इंद्रदृष्टि की इच्छाओं को ना बोलना उसका मतलब है डंडे मारना। तो टेम्पटेशन आएंगे, हमें उसको रिजेक्ट करना है, तो अगर हम अच्छे से डंडे नहीं मारेंगे तो नहीं जाएगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब माया आती है तो शुद्ध भक्त बोलते हैं गेट लॉस्ट, चले जाते हैं, और भौतिकवादी क्या करते हैं, जब माया आती है तो भौतिकवादी क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे वो, वेलकम वेलकम। पर हम और आप जैसे जो साधक भक्त हैं, हम हमारे सामने माया की हम क्या बोलेंगे पता है, रुको 1 मिनट, हम सोच में पड़ जाते हैं इसको एंजॉय करे नहीं करे क्या करे ये हमारी कंडीशन है बस वो सोचता है और माया अटैक करती है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको ना बोलना है। सो इसलिए सीरियसली हमें डंडे मारने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इंद्रियतृप्ति जीरो कर दो, बट जो अनकंट्रोल प्रेम जो हमने दिखाया है उस कुत्ते को, अभी वो रोकना पड़ेगा लाइक दैट। तो और जब ऐसी इंद्र तृप्ति स्पेशली लस्ट जब हमारे मन को अटैक करता है, तो हमारे ज्ञान और हमारे रियलाइजेशन उस पे अटैक करता है, जैसे हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी साधना करते हैं, उससे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ रियलाइजेशन आता है, विज्ञान प्राप्त होता है। तो जब लस्ट हमारे माइंड पे अटैक करता है तो इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब वो भक्ति करने की इच्छाओं पे अटैक करता है,
जो काम इच्छा है वो भक्ति करने की इच्छाओं पे अटैक करता है, तो वही सबसे बड़ी डेंजर है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि माला आज नहीं करते हैं, रहने देते हैं, आज मंदिर नहीं जाते हैं, रहने देते हैं, आज क्लास अटेंड नहीं कर, मतलब जो श्रवण अध्ययन कीर्तन करने की जो इच्छा रहती है ना, उस पे अटैक करता है वो लस्ट। तो पुराणों में एक स्टोरी आती है कि एक बार नारद मुनि कलयुग में आए और देखा इतने लोग कष्ट भुगत रहे हैं कलयुग के प्रभाव में, तो वैकुंठ में जाते हैं नारायण भगवान के पास और उनको बोलते हैं कि आप सब पे कृपा बरसाइए, अभी कलयुग चल रहा है, मैं वहां जाऊंगा और आपकी कृपा बांटूंगा। तो वो लोग सब आपके धाम वैकुंठ में आएंगे, तो भगवान बोलते हैं कि तुमको ट्राई करना है, ट्राई करके देखो, मैंने किसी को रोका नहीं है, मेरा तो धाम है सबके लिए ओपन है, जिसको आना हो वो आ सकता है। तो नारद मुनि को बहुत अच्छा लगा, चलो भगवान ने ओपन मर्सी दे दी और जिसको आना आ सकते, तो बहुत कीर्तन करते नाचते नाचते पृथ्वी पे आते हैं और पृथ्वी पे आते हैं और सबको चिल्ला के बोलते हैं कि सुनो सुनो, भगवान विष्णु के धाम से मैं आ रहा हूँ, उन्होंने हम पे हम जैसे सब कलयुग जीवों पे स्पेशल कृपा दिखाई है, उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने सबको ओपन इनविटेशन दिया है कि सब लोग वैकुंठ आ सकते हैं, तो आप चलो मेरे साथ ना, हम सब साथ में वैकुंठ जाएंगे, यहाँ बहुत ही कष्ट क्यों हमें भुगतना है, वहां पे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट है, ऐसे सभी कलयुग के जीवों को बोला ऐसा नारद मुनि ने। तो नारद मुनि फिर बोलते हैं चलो मेरे पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, तो आप भी आओ पीछे पीछे। तो नारद मुनि ऐसे डांस करते 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 कीर्तन करते करते वैकुंठ गए और फिर भगवान से मिले और भगवान को बोला देखो सब लोग वैकुंठ के द्वार पे आ गए हैं भगवान। तो भगवान देखते बोलते सही में कहाँ है, तो पीछे नारद मुनि मुड़ के देखते तो कोई नहीं होता है, एक व्यक्ति नहीं होता है। तो नारद मुनि फिर पता चलता है अरे मैं सबको इनविटेशन दिया पर कोई आ ही नहीं रहे, तो लोगों के पास भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी होगी ना, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा भी नहीं उठा पाते क्योंकि ये लस्ट उनपे हैवी हो गए हैं। तो लस्ट जो है हमारी भक्ति करने की इच्छा पे अटैक करता है, तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली इसको डील करना चाहिए और जितना निंद्र तृप्ति करेंगे उतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारा टेस्ट कम होते जाएगा और उससे उसके आगे के स्टेज पे क्या होगा कि हम भक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे, एवर्स जिसको बोलते हैं, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स भगवान के और भक्तों के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स फिर हम डेवलप करने लगेंगे। तो इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत संभाल के इसमें रखना पड़ता है। एंड जब हम सिंसियरली और सीरियसली भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप सीरियसली जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे अगर अच्छे से ध्यान से भक्तों के संग में, तो इंद्र तृप्ति की इच्छा आपकी कम हो जाएगी। आपको लगेगा मैं भागवतम पढ़ूं मूवीज क्यों देखूं, और आपके फ्रेंड्स अगर बोलेंगे कि चलो चलते हैं बाहर खाने या इधर घूमने, तो आपकी इच्छा नहीं होगी जाने की, आपका टेस्ट उधर चला जाएगा। जैसे कोई आपको बोले आप नॉन वेज का आप खाएंगे क्या, प्रसाद का टेस्ट आ गया। सो और आपको दुख नहीं होगा नॉन वेज नहीं खा के या मूवीज नहीं जाके या बाहर घूमने का, आपको तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया उसका आपको दुख नहीं होगा। जैसे जैसे होता है ना, जैसे गटर है ना, गटर में कौन सा जानवर घूमता है, सुअर पिग या, तो जैसे गटर है और आप वहां से गुजर रहे हैं और सुअर आपको देख रहा है,
तो सुअर आपको देख के अगर ऐसा सोचे ये गटर में जो फीस्ट है वो खा जाएगा, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा कॉम्पिटिटर था, इसलिए सुअर क्या करता है तुरंत पहले उधर चले जाएगा और उसको खाएगा। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति कॉम्पिटिटर होगा क्या? उसको पड़ी भी नहीं, वो नाक बंद करके वहां से निकल जाएगा। तो भक्त ऐसे है कि उनको इस भौतिक संसार में जितने भी इंद्र तृप्ति की जितने भी अवसर है ना, वो एक गटर के समान है, और भौतिकवादी लोग जो है वो सब उस सुअर के समान, उन्हें क्या लगता है कि हम भी इनकी तरह एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, बट हमारा हमारे अंदर क्या वो स्वतः स्वभाव आ जाता है कि इंद्र तृप्ति को गिव अप करना है, नेचुरल टेंडेंसी होती है। सो ये श्रीमद भागवतम आज के श्लोक में ये बता रहा है कि हमें वो डिजायर करनी है, वो इच्छा रखनी है जो हमारे सेल्फ आत्मनिर्भर, क्या बोलते हैं हिंदी में शब्द है, स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना ही करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई इच्छा नहीं रखो, शरीर को भी जैसे चलना है चलने दो, नहीं, शरीर को हमें अच्छा रखना है क्योंकि इस शरीर को हमें यूज करना है भगवान की सेवा में। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट पॉइंट। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को प्रच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। तो आज के जो पॉलिटिशियंस और लीडर्स हैं ना, वो भी इंद्र तृप्ति के लिए ही सारी चीजें करते हैं। जैसे ही जो मतदाता लोग होते हैं उनको उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उस लीडर को वो हटा देते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती हैं। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। इंद्रियां जो है इंद्रियां भोग के लिए नहीं है, बट लिमिटेड अमाउंट में, जैसे मैंने बताया कि इंद्र तृप्ति को नमक की तरह यूज करना चाहिए स्वाद अनुसार, अधिक भी नहीं और एकदम जीरो भी नहीं। या फिर नेक्स्ट उदाहरण पढ़िए यहाँ से, उदाहरण से। उदाहरण अर्थात विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानों उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः ही परिवार नियोजन हो जाता है। तो अभी फैमिली प्लानिंग का जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है अलग अलग, और उसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बनाती है, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि अगर लोग भक्ति भाव में लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। उसके लिए ये सारे सिंफुल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे और इस पॉइंट पे पूरा एक पूरा क्लास लिया जा सकता है, बट ये उदाहरण और ये पॉइंट से हम सिर्फ समझ सकते हैं कि अगर हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समस्या का समाधान जो होता है वो समाधान अपने आप में दूसरा पाप होता है। तो इस श्लोक में ये बोलते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी कि के मनुष्य जो है परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए परम सत्य की। तो वो परम सत्य कौन है, 11वें श्लोक में बताते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 11वां श्लोक। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम्
ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्द्यते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वितीय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो वो परम सत्य क्या है? ब्रह्म परमात्मा और भगवान। सो वदंती तत्व विदस, जो वदंती तत्व विदस मतलब जो लर्नेड सेजिस, जो भी में लिखा है विद्वान आध्यात्मवादी विद्वान, तो वो लोग वदंती, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यत तत्त्वम यत ज्ञानम अद्वयम, कि वो जो परम सत्य है वो ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान इति, कि परम सत्य ब्रह्मन परमात्मा और भगवान तीनों फेस में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। केवल ब्रह्मन ही भगवान नहीं है, केवल परमात्मा ही भगवान नहीं है, पर तीनों है। ऐसे तत्ववादी लोग, मतलब जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं, उनका ये कंक्लूजन है कि वो परम सत्य कौन है। सो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे सूर्य का फेमस एग्जांपल, सूर्य देवता है, सूर्य का जो गोला है और सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें वो ब्रह्मन कंसेप्शन है, सूर्य का गोला वो परमात्मा कंसेप्शन है, सूर्य देवता जो है वो भगवान का कंसेप्शन है। तो तीनों अलग भी है, तीनों एक भी है ना। सूर्य की किरणें जब रूम के अंदर आती है तो हम ऐसा बोलते हैं सूर्य का उदय हो गया है, पर सूर्य रूम पर नहीं है, किरणें आई है सूर्य की। सो सूर्य की किरणें सूर्य से एक भी है और सूर्य से अलग भी है। तो ऐसे ही भगवान के जो दिव्य शरीर है, उनके दिव्य शरीर से एक प्रकाश निकलता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, और उस ब्रह्म ज्योति में सारे ब्रह्मांड और सारे वैकुंठ लोक स्थित है वहां पर। तो भगवान के तीन फॉर्म है, एक ब्रह्मन फॉर्म जो ये ब्रह्म ज्योति, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग सबके हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में है उस पर ध्यान करते हैं, और उस लोग परम भगवान का रूप आकार फॉर्म जिसमें से वो तेज निकलता है वो फॉर्म उस पर ध्यान करते हैं। तो ये तीनों फेस में, ये जो तीन चीजें हैं भगवान के जो फीचर्स है तीन, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट और सुपीरियर फीचर है वो भगवान है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जैसे कि कर्मी लोग होते हैं वो तो भौतिक संसार के सुख में ही लग जाते हैं, बचे कौन? ज्ञानी, योगी और भक्त। चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रभुपाद अगले परपोर्ट में बताएंगे, आई थिंक या 12वें नंबर श्लोक के ही परपोर्ट में बताते हैं कि चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये चार प्रकार के ही मनुष्य होते हैं टाइप के। कर्मी जो होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं, और बाकी जो तीन होते हैं वो आध्यात्मिकवादी होते हैं। भौतिकवादी जो इस भौतिक संसार में ही रहना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, और बाकी तीन ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं आध्यात्मिकवादी। उसमें जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मन वाले फीचर पे ध्यान करते हैं, योगी जो होते हैं वो परमात्मा वाले फीचर पे ध्यान करते हैं, और भक्त जो होते हैं वो भगवान वाले फीचर पर। तो आध्यात्मिक जगत पे योगी, ज्ञानी, कर्मी तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, केवल भक्त लोग एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वहां पे कोई ऐसी इच्छा नहीं करता है कि मैं भगवान के शरीर में लीन हो जाऊं, या वहां पे कोई ऐसा परमात्मा पे मेडिटेट नहीं करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये सारी प्रोसेस जो है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मन और परमात्मा और ये सब, ये सिर्फ इस भौतिक संसार में एग्जिस्ट करती है। सो केवल भक्ति करने से ही हमें परम सत्य का कंप्लीट रियलाइजेशन प्राप्त होगा,
ओनली बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति. बाकी सारे जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट प्रोसेस है, क्योंकि वो पूरा पिक्चर नहीं बताते भगवान का. भगवान का पूरा पिक्चर क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीनों कंबाइन. पर जैसे ज्ञानी लोग होते हैं वो खाली ब्रह्मन वाले पॉइंट पे ही रियलाइज कर सकते हैं, योगी जो होते हैं वो खाली परमात्मा वाले फीचर पे ही तक ही पहुंच सकते हैं, पर भक्त जो होता है वो तीनों फीचर को रियलाइज कर लेता है. जैसे ज्ञानी है वो परमात्मा वाले फीचर को नहीं रियलाइज कर पाएगा, योगी जो है वो भगवान वाले फीचर को रियलाइज नहीं कर पाएगा, पर भक्त जो है ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान तीनों को रियलाइज. इसलिए भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, मेडिटेशन से भी सर्वश्रेष्ठ है और ध्यान से भी और ज्ञान से भी. तो ज्ञानी और योगी और कर्मी से तीनों से श्रेष्ठ क्या है? कौन है? भक्त. तो जो मूर्ख होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो बोलते हैं भगवान खाली ब्राह्मण ही है या भगवान खाली परमात्मा ही है. पर लर्ने ट्रांसेंडेंटलिस्ट वदंती तत् तत्व विदस, वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते. भगवान तीनों है. जैसे प्रभुपाद फेमस एग्जाम्पल देते हैं दूध का. अगर दूध को आप आंख से देखोगे तो आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखेगा. दूध को अगर आप कान से रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि दूध पौष्टिक आहार है, बस उसके गुणगान आप सुनोगे और कुछ नहीं. दूध को अगर आप नाक से रियलाइज करोगे तो उसको स्मेल आपको दूध की आएगी. अगर टच करोगे दूध को हाथ से रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा ये लिक्विड है या ठंडा है या गर्म है. पर अगर आप दूध को टंग से, जीवा से रियलाइज करोगे तो आप उसको टेस्ट भी कर पाओगे, उससे नरिशमेंट भी मिलेगा, आप संतुष्टि का अनुभव करोगे, फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली दूध क्या है. सो दूध को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? जीभ से. उसी तरह भगवान को सबसे, भगवान को अप्रोच करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो भक्ति है, तो ही आप प्रॉपरली भगवान को समझ पाएंगे. अगर आप ज्ञानी की तरह ऐसे मेडिटेशन करेंगे या ध्यान करेंगे या तर्क वितर्क करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, आपको इनकम्प्लीट पिक्चर पता चलेगा, कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगा आपको कभी कि एक्चुअल में भगवान क्या है. तो प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं माउंटेन का, पहाड़ कि दूर से पहाड़ आपको दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि पहाड़ है और जंगल है बस. थोड़ा और नजदीक जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे पेड़ है, अंदर थोड़े रोड भी है, और अंदर और जाएंगे तो आपको लगेगा इधर घर भी है, लोग भी रहते हैं और बिजनेस भी करते हैं और मार्केट भी है और सब कुछ है अंदर. तो दूर से देखने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण कंसेप्शन कि भगवान एक. फिर थोड़ा और नजदीक गए तो परमात्मा रियलाइजेशन. भक्ति योग ही एक वो प्रोसेस है जो कंप्लीट एंट्री देती है हमें और वहां पे नॉलेज देती है व्हाट इज एग्जैक्ट गॉड, भगवान एग्जैक्ट क्या है. हाईएस्ट रियलाइजेशन हमें मिलता है, भगवान का हमें पर्सनल कनेक्शन मिलता है भक्ति योग से. तो इसलिए लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलते हैं कि भगवान के तीनों फीचर है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. तो या मैं तो कुछ खास हाईलाइट नहीं है, दैट्स सारी चीजें हैं. तो नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं कि ये जो वदंती तत्व जो भगवान है, परम सत्य है, उसको रियलाइज करने का प्रोसेस क्या है. 11वें श्लोक में बताया कि भगवान कौन है, नहीं सबसे पहले 10वें श्लोक में बताया कि के जीव को है परम सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए, इंद्रतृप्ति नहीं करनी चाहिए. तो फिर 11वें श्लोक में बोला वो परम सत्य कौन है, और अब 12वें श्लोक में बोलेंगे कि उस परम सत्य को कैसे रियलाइज किया जाए. 12th श्लोक आता है
तत्श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मान भक्त्या श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो तत् श्रद्धा धानाय मुनयो, इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेकंड चैप्टर के सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। बोलते तत् श्रद्धा धानाय मुनयो कि भगवान को कौन समझ सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है, और वो श्रद्धा जब उसके पास, श्रद्धा का एक और मीनिंग है जिसको बोलते हैं ईगरनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ईगरनेस क्या था, आतुरता। यस। तो जिसके अंदर आतुरता है वही मुनयो बन सकता है। मुनयो मतलब डिवोटी। तत् श्रद्धा दानाय मुनयो, किस प्रकार का मुनयो बनता है? ज्ञान वैराग्य युक्तया, भक्ति करने से। जैसे कि हमने देखा छठे सातवें श्लोक के अंदर, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते। तो तत् श्रद्धा दानाय मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया, तो श्रद्धा या इंक्वायरी करने से या फेथ डेवलप करने से हम लोग डिवोटी बनते हैं जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। पश्यन्ति आत्मनि चात्मना, तब वो भगवान का, पश्यन्ति मतलब देखना, तब वो भगवान को दर्शन कर सकता है। और भक्त्या श्रुता गृहीतया, भक्ति के थ्रू और श्रुता गृहीतया, श्रुता गृहीतया मतलब श्रुता मतलब सुनना, श्रुता गृहीतया मतलब शास्त्रों को सुनने से और भक्ति करने से। तो फिर से पढ़ो इसका अनुवाद। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। इसमें भक्ति को हम जैसे भक्त्या श्रुता गृहीतया, हियरिंग के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड गॉड बाय हियरिंग, भक्त्या श्रुता गृहीतया। तो ये प्रोसेस है परम सत्य को समझने का। What he has heard from Vedant Sutri, भगवान को रियलाइज करने का प्रोसेस क्या है? हियरिंग। तो हियरिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है श्रीमद भागवतम के अंदर, क्योंकि बार बार पॉइंट दोहराया गया है कि श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। सो इसी परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को पहले तो बताते हैं कि जो परम सत्य है उसका जो टॉप मोस्ट फीचर है वो भगवान रियलाइजेशन है, और फिर ये कर्मी ज्ञानी योगी भक्त जो मैंने बताया चार प्रकार के मनुष्य है, और बाकी के जो तीन लोग है वो आध्यात्मिकवादी है, और जो कर्मी है वो भौतिकवादी है। इस परपोर्ट के अंदर कुछ और विशेष इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा की जिसको हम नेक्स्ट टाइम ही ले पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये। हम लोग के पास 10 मिनट है, पर 10 मिनट में ये समाप्त नहीं होगा। सो मुझे लगता है यहाँ पे हमें स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज फिर टाइम ज्यादा थोड़ा एक्सीड हो जाएगा, एंड आगे और इसमें थोड़े लेंथी डिस्कशन पॉइंट्स है। सो यस, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम दो श्लोक कवर करते हैं, 10वां और 11वां। तो हमने कंक्लूजन में देखा कि इंद्र तृप्ति हमें नहीं करनी है, रेगुलेशन वाली लाइफ जीना है, और भगवान के मुख्य तीन फीचर है
ब्राह्मण परमात्मा और भगवान। यस, किसी को कोई प्रश्न? ये कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त सब लोग इधर अभी भी है। बहुत लोग हैं जो परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं, ध्यान योग करते हैं, बट वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम है। हाँ, अगर वो सिंसियरली और एकदम परफेक्टली फॉलो करते हैं तो उनको वैकुंठ मिलता है। हाँ, ब्रह्म ज्योति में लिख सकते हैं। हाँ, एक्टिविटी नहीं। यस, उनको उनका एडवांसमेंट होगा, उनको वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, पर वो लोग प्राप्त नहीं होगा। भगवान पे के परमात्मा पे। हाँ, तो वो जा सकते हैं। तो भगवान की कृपा मिलेगी उसको, जैसे अजामिल। यस, मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, यस, क्लियर एकदम जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो है श्लोक नंबर 10 में है, इसमें जो है बताया गया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, जहां तक उन्होंने बताया निर्वेशवादियों के लिए, कि कथनों से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मोक्ष भी इंद्र तृप्ति के लिए। कौन से श्लोक नंबर 10 का श्लोक नंबर है प्रभु जी, 10 नंबर श्लोक नंबर है, उसका तात्पर्य है। हाँ हाँ, उसमें जो है यहाँ बताया गया कि यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मोक्ष भी इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करनी तक उद्यत रहते हैं। तो प्रभु जी, आध्यात्मिक हत्या क्या है? मतलब ये एक्चुअल में सेंस तो निर्वेशवादियों के लिए निकल रहा है, क्योंकि वे तदाकार शब्द तो उनके लिए यूज होता है, लेकिन आध्यात्मिक हत्या प्रभु जी क्या है? आध्यात्मिक हत्या का अर्थ ये है कि ऐसे मैंने बताया कि जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, यानी कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है या लस्ट है, वो व्यक्ति की भक्ति करने की इच्छा पे अटैक करता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक हत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड ऐसा इंग्लिश में लिखा है। स्पिरिचुअल सुसाइड समझ में नहीं आया प्रभु जी। स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब, फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसने भक्ति छोड़ दिया कि नहीं करना है, जाओ, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक हत्या। ओके, अच्छा, मतलब है ना, उस पथ से विमुख हो जाना। हाँ, पथ से विमुख हो जाना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक हत्या, क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति चाहिए, उसको भक्ति करने से नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़ देता है इंद्र तृप्ति कि मैं चार नियम फॉलो नहीं कर सकता, मेरे को स्त्री चाहिए, मेरे को नॉनवेज चाहिए, मेरे को नशा करना है, वो सब करना है। तो ऐसे लोग परम सत्य की जिज्ञासा नहीं करते हैं और फिर इंद्र तृप्ति में पूरा चले जाते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक हत्या कर लेते हैं। ओके ओके जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न जो है 11वें श्लोक से ही है, जैसे कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में गीता जी भी हमने जब अध्ययन किया था गीता का, उसमें भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो सूर्य का उदाहरण आपने बताया उसमें से हम लोगों को ने समझा था, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है बात अभी जो आपने बताई है कि कर्मी, और नेक्स्ट श्लोक के जो तात्पर्य में जो बातें आई थी उसके तरफ ही। प्रभु जी, इस प्रश्न में, इस है ना श्लोक में, 11वें नंबर श्लोक में उसका जो अनुवाद है उसमें ही मुझे दो चीज, एक चीज मुझे यह समझना है कि
है ना, तत्वविद जो बताया गया है, विद्वान अध्यात्मवादी, जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान है, तो जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान है वे क्या है ना परम सत्य के तीनों फॉर्म को जानते हैं क्या? जी। और प्रभु जी इसमें जो दूसरा शब्द आया है अद्वैत तत्व, अद्वैत तत्व का मतलब क्या है प्रभु जी? अद्वैत तत्व मतलब जैसे द्वैत मतलब क्या कि डुअलिटी, डुअलिटी जी, कि अच्छा भी है खराब भी है, सुख भी है दुख भी है, ठंडा भी है गर्म भी है, मान भी है अपमान भी है, ये द्वंद है। तो भगवान इन सभी द्वंद से परे हैं, सुख दुख ठंडी गर्मी मान अपमान से परे भगवान। तो इसलिए जो इन द्वंद्वों से परे है उनको बोलते हैं अद्वैत, इसलिए लिखा है अद्वैत ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। तो ये अद्वैत तत्व संसार जो है, भौतिक संसार के अंदर सब जगह द्वंद है जी, जैसे फायदा होगा कि नुकसान होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, सब जगह द्वंद है, बट भगवान इन सभी द्वंद्वों से परे है। इस तरह से आपका वीडियो अटक गया आई थिंक। जी अटक गया था, कोई नहीं, पर प्रभु जी समझ में आ गया मतलब कि जो सभी द्वंद्वों से परे हो तो हाँ, यस जी। ओके धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमें शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मसंरक्षण के लिए प्रयास करना है, वो कंसेप्ट है। शरीर को स्वस्थ रखना है और उसके लिए जो जो आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए जितना कार्य करना है उतना ही करना है, उससे अधिक करेंगे वो इंद्र तृप्ति में काउंट होता है, ये इसका मतलब। यस नित्यानंद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे प्रो। आपने वो तीन चीजें बताई थी ना प्रो शुरुआत में, हाँ, टेस्ट सेटिस्फेक्शन, मतलब समझा सकते दो? टेस्ट सेटिस्फेक्शन और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ओके। तो ये तीन चीजें थी, तो प्रश्न क्या है? आपने एग्जांपल दिया था वो आपके समय वाला वो बॉय और गर्लफ्रेंड वाला, तो वो इसी के ऊपर था ना प्रो? वो स्ट्रेंथ के ऊपर था, मतलब जैसे भक्ति जब आप करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलता है कि दूसरों के अंदर आप भगवान के प्रति श्रद्धा डाल सकें दूसरों के हृदय में, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे, दूसरों को श्रद्धावान बना पाएंगे। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आपको भगवान के प्रति, प्रोसेस के प्रति फेथ है, भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए आप दूसरों को बोलना चाहेंगे। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो वो चाहता है सबको सीक्रेटली बताए, और फिर मैंने ये बोला था कि अगर आप भक्ति अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि कुछ प्रचार मत करो इसका, तो आपको लगेगा कि ये पनिशमेंट है बहुत बड़ी। पर अभी हम जब लोग को बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, रजिस्ट्रेशन करो, उन्हें क्या लगता है ये पनिशमेंट है। बट जब हम ये नहीं करें वो एक्चुअली पनिशमेंट है भक्त के लिए। एक्चुअली ये वो चाहता है कि सब जगह कृष्णा की ग्लोरी स्प्रेड हो, सबको कृष्णा के बारे में पता चले, सब लोग कृष्णा से कनेक्ट हुए, क्योंकि गुरु ये चाहते हैं, आचार्य ये इच्छा रखते हैं, चाहते हैं सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जगह पुस्तकों का वितरण हो, सब भक्ति से जुड़े, इस तरह से। मतलब प्रभु आपने श्रद्धा तो प्रचार करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ओके हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न प्रभु? जब हमें भक्ति प्रोसेस में तब मतलब हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें ज्यादा इच्छा होगी, हाँ, चैंटिंग करने की और सेवा करने की और सब चीज जो भी कृष्ण भक्ति में आता है, रीडिंग हियरिंग करने की इच्छा ज्यादा होगी करने की।
और जब संतुष्टि तो मतलब हमें इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं रहेगी। मतलब कि प्रचार 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 इंद्रिय तृप्ति और टेस्ट टेस्ट आएगा तो ज्यादा भक्ति और करेंगे आप, सेटिस्फेक्शन आएगा तो इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे आप, और स्ट्रेंथ आएगा तो प्रचार करेंगे आप। तीन चीजें।